नमस्कार साथियों। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के संगीतकारों के बारे में। संगीतकार देखते हैं मध्य प्रदेश के, तो सबसे पहले बात करते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन का जन्म संवत 1553 में वेहट ग्वालियर में हुआ। इनका जन्म, मृत्यु हुई इनकी संवत 1646 आगरा में। और इनका मकबरा कहाँ है तानसेन का? ग्वालियर में, याद रखिए। इनका मूल नाम था रामतनु या तन्ना। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु तन्ना। पिता का नाम था मकरंद पांडे। संगीत गुरु थे इसके स्वामी हरिदास वृंदावन में। समकालीन संगीतज्ञ थे इनके मोहम्मद घोष, बेजू बावरा, बक्सु कर्ण और महमूद। राजा राज्य से तो दौलत खां, शेरशाह सूरी का पुत्र, कलिंजर के राजा रामचंद्र एवं मुगल सम्राट अकबर नवरत्नों में से एक रहे। संगीत ग्रंथ की बात करें तो संगीत सार और संगीत रागमाला। संगीत विशिष्टता की बात करें तो ध्रुपद गायन, दीपक राग, मेघ मल्लार। इसके अतिरिक्त इनके दरबारी कांडा, मियाँ की मल्लार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की सारंग। आविष्कार की बात करें तो रबाब और बीड़ा वाद्य यंत्र। तानसेन सम्मान 1980 से क्षेत्र हिंदुस्तान संगीत के लिए दिया जा रहा है। तानसेन समारोह तो ये प्रतिवर्ष ग्वालियर में होता है, याद रखना, तानसेन समारोह। फिर है हमारे उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादक। इनका जन्म हुआ 1881 में ग्राम शिवपुर त्रिपुरा में। मृत्यु हुई इनकी 1972 में मेहर सतना में। इनके पिता का नाम था साधु खां, माँ थी हरसुंदरी देवी। संतान इनकी अली अकबर खां, पुत्र सरोद वादक, अन्नपूर्णा पुत्री थी इनकी। शिष्य की बात करें तो पंडित रविशंकर, भारत का सितार वादक बोला जाता है पंडित रविशंकर को, और पन्नालाल घोष इनके शिष्य थे। संगीत गुरु की बात करें तो इनके संगीत गुरु थे हाबूदत्त, विवेकानंद के भाई थे। उस्ताद वजीर खां, रामपुरवा सरोद सखी। उस्ताद अली अहमद खां एवं नीलू गोपाल ने शहनाई वादन सीखा। इन्होंने उस्ताद अली अहमद खां और नीलू गोपाल से शहनाई वादन सीखा था उस्ताद अलाउद्दीन खां ने। राजश्रय की बात करें तो रीवा महाराजा बिजनाथ सिंह के नियंत्रण पर मेहर आए। संगीत साधना की बात करें तो मेहर में। आविष्कार की बात करें तो सुर सितार, चंद सारंग और नल तरंग इनकी। विशेष की बात करें कुछ तो अनाथ बच्चे प्रथम विश्व युद्ध के कारण कुछ संगीत शिक्षा देकर मेहर बैंड स्थापित किया इन्होंने। उपाधियों की बात करें तो भारत के गौरव अफताब हिंद, संगीताचार्य, संगीत नायक। इन्हें पद्म भूषण मिला है 1958 में, पद्म विभूषण मिला है 1997 में। अकादमी की बात करें, संगीत अकादमी की 1969 में मेहर में, 1979 में संगीत अकादमी कब बनी मेहर में? 1979 में। ठीक है, पद्म विभूषण कब मिला है? 1998 में पद्म विभूषण, 1957 में है। अब है उस्ताद हाफिज अली खां सरोद वादक थे। इनका जन्म हुआ है 1892 में ग्वालियर में। पिता इनके नन्हे खां और मृत्यु हुई इनकी 1972 में। ठीक, संगीत गुरु थे उस्ताद वजीर अली खां रामपुर के, चुक्का लाल बिंद्रावन गणेशी लाल, सोनी आशा घरानी के गणपत राव से ढूमरी सीखी इन्होंने। वीणकार परंपरा के सच्चे उत्तराधिकारी थे। संगीत की अटल शुद्धतावादी के समर्थक। इनका संगीत अभिजात पूर्ण था। उनके संगीत गायन में ध्रुपद ख्याल, ठुमरी का मेल होता था उस्ताद हाफिज अली खां के।
राज्य रहे इनके ग्वालियर महाराज, माधवराव सिंधिया एवं जीवाजी राव सिंधिया। प्रमुख शिक्षा की बात करें तो अमजद अली खां पुत्र सरोद बादक, मुबारक अली खां, रहमत खलिया। उपाधियों की बात करें तो अफ्ताब ए सरोद और संगीत रत्नाकर। सम्मान की बात करें तो पद्म भूषण 1960 में संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मिला इन्हें। सरोद घर की बात करें तो इनकी स्मृति में इनके पुत्र ने ग्वालियर में सरोद घर इसकी की स्थापना की। अगले हमारे पंडित शंकर राव। पंडित शंकर राव का जन्म कब हुआ? 1862 में ग्वालियर मराठा ब्राह्मण परिवार। 1917 में इनकी मृत्यु हुई पंडित शंकर राव की। इनके पिता का नाम था पंडित विष्णु। जीवाजी राव के आग्रह पर ग्वालियर आए थे। संगीत गुरु इनके बालकृष्ण बुआ बुबा और उस्ताद निसार हुसैन देवजी कुमार। टप्पा और ख्याल शैली में परंपरागत, यमन राग में विशेष परंपरागत पारंगत। अपने गुरु बालकृष्ण बुआ के साथ बम्बई में संयुक्त प्रशिक्षण देकर तहलका बचाया। संगीत शिष्य की बात करें तो पंडित कृष्णा राव, भाऊ साहेब जोशी और काशीनाथ मुल्ले राजा भैया पूछ वाले। सम्मान की बात करें तो राष्ट्रपति पदक संगीत नायक मिला इन्हें पंडित शंकर राव को। इनके पुत्र कृष्णा राव ने ग्वालियर में इनकी स्मृति में शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी। फिर है पंडित कृष्ण राव। कौन है पंडित कृष्ण राव? पंडित कृष्ण कृष्णा राव इनका जन्म हुआ है 26 जुलाई 1893 में। इनकी मृत्यु हुई 1883 में। इनके पिता थे शंकर राव इन संगीत पंडित शंकर राव, पिता उस्ताद निसार हुसैन खां। 20 वर्ष की आयु में मथुरा में गायन प्रस्तुति है इनकी। रचनाओं की बात करें तो संगीत सागर, संगीत सार सरगम, संगीत प्रवेश, संगीत अलाप, संचारी, तबला वादन शिक्षा, सितार, जलतरण वादन शिक्षा, हारमोनियम वादन शिक्षा आदि। ख्याल गायकों पर असाधारण अधिकार दूरदर्शन व रेडियो पर अनेक संगीत प्रस्तुति दी इन्होंने। गायन रिकॉर्ड व रेडियो पर उनके संगीत प्रस्तुति दी। गायन रिकॉर्ड को कोलंबिया रिकॉर्डिंग कंपनी ने किया था। माधव संगीत महाविद्यालय के सुपरवाइजर में जीवाजी राव सिंधिया ने बनाया इन्हें। सन 1919 में गांधी जी के समक्ष संगीत सुनाया था इन्होंने। उपाधियों की बात करें तो गायक शिरोमणि सरदार पटेल द्वारा, संगीत रत्नाकार ग्वालियर द्वारा, संगीत शिरोमणि मुल्तान द्वारा, ताल सम्राट पटियाला घराना, गायन महर्षि शंख लेखर पीठ के शंकराचार्य द्वारा, डॉक्टर ऑफ म्यूजिक खैरागढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा, गायन विशारद सम्मान और पद्म भूषण 1973 में। अगले हैं राजा भैया पूंछ वाले। राजा भैया पूंछ वाले इनका जन्म हुआ 12 अगस्त 1882 को ग्वालियर में। इनकी मृत्यु हुई 1 अप्रैल 1956 को। वास्तविक नाम था इनका बालकृष्ण आनंद राव आप्टेकर। पिता थे इनके आनंद राव, पूंछ बुंदेलखंड जागीर से ग्वालियर आए थे। संगीत गुरु थे इनके बलदेव जी, लाला बुआ बावन हुआ ध्रुपद सीकर। उन्होंने इनसे राजा भैया पूछ वाले तो इनके पिता आनंद राव से सितार सीखा इन्होंने। विष्णु नारायण भातखंडे बम्बई स्वय लिपि सीखी इनसे। रचनाओं की बात करें तो तान मालिका, संगीतोपासना, ठुमरी तरंगनी, ध्रुपद घमार गायकी। भारत खंडे की क्रमिक पुस्तक मालिका के लिए अथक प्रयास किया इन्होंने। ख्याल ढूमरी टप्पे में विशेष निपुणता प्राप्त की। भारत खंडे की इच्छानुसार संगीत विद्यार्थियों को स्वरलिपि की का प्रशिक्षण दिया। माधव संगीत विद्यालय के अध्यापक
प्रचार रहे। ग्वालियर की पारंपरिक गायन शैली की प्रणेता की उपाधियाँ सम्मान संगीत रत्नाकर, संगीतकार, सार्वलोक गायन, राष्ट्रपति पदक, बाबा साहेब पूंछ वाले तानसेन सम्मान प्राप्त किया इन्होंने। अगले हैं उस्ताद अमीर खान। उस्ताद अमीर खान इंदौर घराने के ख्याल व तराना गायक थे। इनकी जन्म हुआ 1913 में, इनकी मृत्यु ही 1974 में आकस्मिक। पिता थे शाह मीर खान, सारंगी व बीड़ा वादन संगीत शिक्षक थे। पिता शाह मीर खान इंदौर घराना के। अमाल अली खान भिंडी बाजार घराना, एक वर्ष रायगढ़ दरबार में रहे। उर्दू फारसी हिंदी संस्कृत का अच्छा ज्ञान था इन्हें। संगीत विशिष्टता की बात करें तो ध्रुपद का महत्व, अभिजात ज्ञान, ख्याल का अलंकृत चमकीलापन, ख्याल व तराना गायकी के कुशल गायक थे। उस्ताद अमीर खान भारतीय संगीत में योगदान तो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अमेरिका ब्रिटेन की यात्रा की इन्होंने उस्ताद आमिर खान ने। फिल्मों की बात करें तो बैजू बाबरा, झनक झनक पायल बाजे, गूंज उठी शहनाई, तानसेन में संगीत दिया। सम्मान की बात करें तो पद्म भूषण संगीत अकादमी सम्मान मिला इन्हें। संगीत शिष्य की बात करें तो अमरनाथ हृदयनाथ मंगेशकर। इनकी स्मृति में इंदौर में उस्ताद अलाउद्दीन खां का अकादमी मेहर सतना के सहयोग से प्रतिवर्ष अमीर खां समारोह का आयोजन होता है। अगले हैं कुमार गंधर्व। इनका जन्म हुआ 8 अप्रैल 1924 को, उनकी मृत्यु हुई 12 जनवरी 1991 में। जन्म स्थान है सुलेभावी ग्राम बेलगांव कर्नाटक। तपेदिक के कारण स्वास्थ्य लाभ हेतु देवास आए थे। इनका पूरा नाम है शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकलियु। पिता थे इनके सिद्धारमैया श्री गुरु मठकल ने। गुरु थे प्रोफेसर बी आर देवधर तीजनी बाई मातेकर। इनकी रचनाएं संगीत रचनाएं अनुपराग विलास त्रिवेणी गायन। उपनाम है इनके संगीत का कवि क्रांतिकारी संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध है। कुमार गंधर्व संगीत साधना की बात करें तो मालवी लोक धुन तत्परता से नए रागों का निर्माण, संतों की वाणी को संगीत से जोड़ा। विशेष की बात करें तो महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को संगीतमय ध्वनि में पिरोकर गांधी मल्लार प्रस्तुत किया इन्होंने। सम्मान की बात करें पद्म विभूषण संगीत अकादमी सम्मान कालिदास सम्मान इन्हें मिला। संगीत साधना केंद्र भानुकुल प्रतिवर्ष अमृत उत्सव में कुमार गंधर्व सम्मानित किया जाता है। पुत्र पुत्री की कलापनी कुमार, खुशी, मुकुल, शिवपुत्र संगीतक। अगले हैं राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह इनका जन्म उपाधि है संगीत सम्राट की। इनका जन्म हुआ 1905 में और इनकी मृत्यु हुई 1947। रायगढ़ रियासत के कथक घराने से थे। पिता थे राजा नटवर सिंह, गुरु थे लाला नारायण सिंह, भूपदेव सिंह, लक्ष्मण सिंह। रचनाओं की बात करें तो राग नतन मंजूषा, राग रागनी का वंश व्यक्षतान का, लाल तोय निधि संगीत विषय, 380 ताम्रचक्र ग्रह, संगीतरण सर्वस्व नित्य संबंधी, अलकापुर मायाचक्र, रतन मंजूषा संस्कृत काव्य, काव्य कानन ब्रज, जोश करहत निगाहे फरहत उर्दू में। योगदान की बात करें तो संगीत कथक नृत्य एवं साहित्यकार में योगदान दिया इन्होंने। शिष्य की बात करें तो पंडित कार्तिक राम जयवाल महाराज, पंडित सुखदेव महाराज, सीताराम महाराज, कार्तिक कल्याण नित्य जोड़ी। इनके समय में गणेश पूजा उत्सव रायगढ़ में कलाकार एकत्रित होते थे। वर्तमान में रायगढ़ में प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह आयोजित होता है। अगली बात करते हैं पंडित कार्तिक राम गम्मत के श्रेष्ठ कलाकार थे रायगढ़ घराने के। इनका जन्म हुआ पंडित कार्तिक राम का 1910 में भंवरलाल बिलासपुर में।
मृत्यु हुई इनकी 1952 में। पिता थे इनके पंडित ब्रजराम राजरा से राजा चक्रधर सिंह। गुरु थे इनके लखनलाल, पंडित जयलाल, सज्जन महाराज सुंदर प्रसाद, सुबू महाराज राजा चक्रधर सिंह, पंडित कार्तिक राम व कल्याण दास की जोड़ी में शेर देश में ख्याति अर्जित की। निपुण नृत्यकर, अति विलंबित लय पर विशेष अधिक मरम्मत मम्मत, तत्कार लय काट भिमरी गतभाव लंदंत, भजन गजल ढूमरी लयदारी। सन 1970 में कमला नेहरू संगीत महाविद्यालय रायपुर में नृत्य शिक्षण किया इन्होंने। टाटा नगर में नृत्य शिक्षण दिया। सम्मान उपाधि की बात करें तो नृत्य सम्मान, शिखर सम्मान, संगीत नाटक अकादमी सम्मान इन्हें मिला। पदातिक सम्मान सूर सिंगार परिषद बम्बई में है इनकी। तो ये थे संगीतकार मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है।